स्टूडेंट्स आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की SST का 8th चैप्टर और फेस्टिवल। हमारे त्यौहार, आज हम त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे। ए फेस्टिवल इज़ द टाइम फॉर फन, फूड, फेयर, सिंगिंग, डांसिंग एंड न्यू कलरफुल क्लोथ। मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार वो टाइम होता है जब हम बहुत मस्ती करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। देयर आर सम नेशनल फेस्टिवल व्हेन द होल कंट्री रिमेंबर सम स्पेशल इवेंट इन द पास्ट। हमारे कुछ राष्ट्रीय दिवस भी होते हैं जब हम किसी पास्ट की जो पुरानी किसी वजह से हम जो त्यौहार मनाते हैं उसको हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती वगैरह मनाते हैं। सम फेस्टिवल आर कनेक्टेड विद रिलीजियस इवेंट, अदर विद सीजन्स। कुछ फेस्टिवल धार्मिक होते हैं और कुछ मौसम के हिसाब से मनाए जाते हैं। सम ऑफ वेल फेस्टिवल ऑफ आर कंट्री आर गिवन बिलो। कुछ जाने माने त्यौहारों के बारे में नीचे बताया गया है। पहले आएगा नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्टेट्स। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर ऑल थ्री नेशनल फेस्टिवल। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, राष्ट्रीय दिवस हैं। पहले हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो न्यू दिल्ली के राजपथ में मनाया जाता है। देयर इज ए ग्रैंड परेड ऑन दिस डे। द आर्मड फोर्सेस, द पुलिस, फोक डांसर एंड अदर स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन इट। इस दिन बहुत ही बड़ी परेड होती है। द आर्मड फोर्सेस, जो आर्मड फोर्सेस होते हैं, पुलिस होती है, फोक डांसर होते हैं, चिल्ड्रन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द चिल्ड्रन हु विन अवार्ड फॉर ब्रेवरी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द परेड। जो बच्चे बहादुरी का अवार्ड जीतते हैं वो भी इस परेड में शामिल होते हैं। दे राइड ऑन एलिफेंट। टेबलियस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स मेक्स द परेड लाइवली। वो हाथी पे बैठे होते हैं, हाथी की सवारी करते हैं और अलग अलग स्टेट्स के मॉडल्स होते हैं, जैसे टेबलियस, उस वो भी परेड में लाइव देखने को मिलते हैं। जो अलग अलग स्टेट का कल्चर होता है वो जब परेड में शामिल होते हैं तो हमें वो सब भी देखने को मिलता है। परेड टेक प्लेस इन स्टेट कैपिटल्स टू। परेड हमारी जो स्टेट्स होती हैं उनकी कैपिटल्स में भी होते हैं। इंडिपेंडेंस डे, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। Prior to this date, it was under the British rule, so we celebrate 15 August every year as our Independence Day. Independence Day हम 15 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश रूल होता था, अंग्रेज राज करते थे और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंस डे पे हर 15 अगस्त को मनाते हैं। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इसका मेन फंक्शन दिल्ली के लाल किले में मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड गिव अ स्पीच। ऑन दिस डे वी रिमेंबर दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, वो नेशनल फ्लैग फहराते हैं और
हमें स्पीच भी देते हैं, और इस दिन हम जो जो लोग हमारी आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है उनको याद करते हैं। आगे आएगा गांधी जयंती। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। वी सेलिब्रेट दिस डे एज गांधी जयंती। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट समाधि ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हम उनके जन्मदिन के नाम पर महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। इसका मेन फंक्शन न्यू दिल्ली के राजघाट में गांधी जी की समाधि पर होता है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर डिग्निटरीज ऑफर प्रेयर एट द समाधि। प्रेयर मीटिंग आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी के जो लीडर्स होते हैं वो गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और प्रेयर मीटिंग और हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में भी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल, जो धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं। मैनी रिलीजियस फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। ए फ्यू ऑफ देम आर होली, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। हमारे रिलीजियस त्यौहार भी बहुत सारे होते हैं जो हम अपने देश में मनाते हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कि होली, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। पहले हम पढ़ेंगे होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थन इंडिया ऑन द मंथ ऑफ मार्च व्हेन द वेदर इज़ नाइदर टू हॉट आर नो कोल्ड। पीपल थ्रू कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल एंड वाटर वन अनदर एट दिस टाइम। बीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड मिलेट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। होली रंगों का त्यौहार होता है जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है मार्च महीने में, जब मौसम ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ठंडा। पीपल थ्रू कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल, लोग एक दूसरे पर कलर डालते हैं जिसे हम गुलाल बोलते हैं, और पानी एक दूसरे पर डालते हैं एट दिस टाइम। और उस समय वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड मिलेट्स आर रेडी टू हार्वेस्ट। हमारी फसलें भी कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे दशहरा। दशहरा मेक्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दिस इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है और इसे विजयदशमी भी कहते हैं। द रामा इज सेड टू हैव किल्ड रावण, द 10-headed डीमॉन किंग। ऑन दिस डे रामलीला इज स्टेज्ड ड्यूरिंग दशहरा। एट दिस स्टेज टाइम दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल इन सम अदर स्टेट्स। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन श्री राम जी ने रावण को मारा था जो 10 सिर वाला राजा था। ऑन दिस डे रामलीला इज स्टेज्ड ड्यूरिंग दशहरा। इस दिन दशहरे के दिन रामलीला की स्टेज भी लगती है। एट दिस टाइम दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेट, और उसी समय दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है और कुछ और स्टेट्स में भी मनाई जाती है। आगे आएगा दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा आफ्टर 14 ईयर ऑफ एग्जाइल। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, इसे भगवान राम के 14 साल के वनवास काटने के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे उनकी खुशी में मनाया गया था। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम एंड वेयर न्यू क्लोथ। लोग उस दिन अपने घरों को साफ करते हैं और
उन्हें डेकोरेट करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। इन द इवनिंग ऑफरिंग आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर टू गॉडेस लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ दे लाइट दियाज एंड कैंडल्स एंड ब्रस्ट क्रैकर्स। उसी दिन शाम को लोग पहले लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके बाद वो दिए और लाइट्स जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। पीपल विश वन अनदर हैप्पी दिवाली, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश करते हैं और गिफ्ट और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। आगे आएगा गुरुपुरब। द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरु आर सेलिब्रेटेड एज द गुरुपुरब। ह्यूज प्रोसेशन आर टेकन आउट थ्रू सिटीज एंड टाउन्स। प्रेयर आर हेल्ड इन ऑल गुरुद्वारास ऑल ओवर द कंट्री। लंगर और फ्री फूड इज ऑन दिस डे। जो सिख गुरु होते हैं उनके जन्मदिन को गुरुपुरब के नाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत बड़ा नगर कीर्तन निकाला जाता है शहरों में और टाउन्स में, और सभी गुरुद्वारों में प्रेयर होती हैं और फ्री फूड लंगर भी हमें मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे ईद। ईद इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम हु प्रे इन लार्ज ग्रुप ऑफ मॉस्क्यू। ईद जो होता है वो मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल होता है। इस दिन मुस्लिम ग्रुप्स में इकट्ठे होकर मस्जिद जाते हैं। सवैया इज स्पेशल स्वीट डिश मेड ऑफ जैकरी एंड मिल्क एंड ब्रेमसेली। और सवैया जो इनकी स्पेशल डिश होती है, जो गुड़ सवैया और दूध से बनती हैं, इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, इस दिन पे बनाते हैं। आफ्टर ईद नवाज द मुस्लिम एम्ब्रेस एंड विश वन अनदर ईद मुबारक। नवाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक देते हैं। ईदी और मनी इज़ गिवन टू चिल्ड्रन, और बच्चों को ईदी या पैसे देते हैं। ईद उल जुहा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। ईद उल जुहा भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आगे हम पढ़ेंगे क्रिसमस। द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट फॉल ऑन 25th दिसंबर। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द क्रिश्चियन। प्रेयर आर हेल्ड इन चर्च। ब्यूटिफुल डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री आर पुट अप। गिफ्ट आर एक्सचेंज। चिल्ड्रन वेट टू रिसीव गिफ्ट एंड स्वीट्स फ्रॉम सेंटा क्लॉज। इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लोग चर्च में प्रेयर करने जाते हैं और वहाँ पे क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जाता है और गिफ्ट दिए जाते हैं, और बच्चे भी सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं गिफ्ट्स और मिठाइयाँ पाने के लिए। आगे आएगा बुद्ध पूर्णिमा। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध के जन्मदिन को हम बुद्ध पूर्णिमा से सेलिब्रेट करते हैं। महावीर जयंती। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। और महावीर के बर्थडे को हम महावीर जयंती के नाम से मनाते हैं। आगे द हार्वेस्ट फेस्टिवल। द फार्मर फील हैप्पी व्हेन दे सी देयर क्रॉप्स रेडी फॉर हार्वेस्ट। दे सेलिब्रेट दिस ओकेजन। द पीपल इन डिफरेंट स्टेट सेलिब्रेट दिस ओकेजन इन देयर ऑन वे। सम ऑफ द फेस्टिवल आर बैसाखी बिहू ओनम पोंगल एक्स्ट्रा। जो किसान होते हैं वो अपनी पकी हुई फसलों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो इस खुशी में त्यौहार मनाते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि बैसाखी बिहू ओनम पोंगल एक्स्ट्रा। तो पहले आएगा बैसाखी। बैसाखी इज़ ए कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। इट इज़ यूजली सेलिब्रेटेड इन 13 अप्रैल एवरी ईयर। इट आल्सो सेलिब्रेट द फाउंडिंग ऑफ खालसा पंथ बाय गुरु गोविंद सिंह जी। गिद्दा एंड बांगरा आर परफॉर्म्ड ऑन द बीट्स ऑफ डोल।
बैसाखी एक बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है जो पंजाब में मनाया जाता है। ज़्यादातर ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है और ये फेस्टिवल गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा पंथ सजाने के लिए भी मनाया जाता है। गिद्दा एंड भांगड़ा परफॉर्म्ड ऑन द बीट्स ऑफ ढोल। लोग इस दिन गिद्दा और भांगड़ा डालते हैं ढोल पर की बीट्स पे। आगे हम पढ़ेंगे बिहू। इट इज़ द पॉपुलर हार्वेस्ट इन असम। इट इज़ सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर। द यंग गर्ल वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड परफॉर्म स्पेशल बिहू डांसेस, सिंगिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फिस्टिंग, बोनफायर एंड बफेलो फाइट आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल। बिहू भी असम का बहुत ही पॉपुलर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये साल में 3 times मनाया जाता है। जो छोटी लड़कियां होती हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के डांस करती हैं, गाने गाती हैं, फिस्टिंग, और इन दिनों बोनफायर आग भी जलाई जाती है और बफेलो फाइट्स भी होती हैं। ये मेन अट्रैक्शन होता है इस फेस्टिवल का। आगे हम पढ़ेंगे पोंगल। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर 3 days आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस। पीपल वर्शिप द रेन गॉड, द सन गॉड एंड काउज। ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो जनवरी महीने में 3 days के लिए मनाया जाता है। चावल की कटाई के बाद उन्हें वो लोग इंद्र देवता, सूर्य देवता और गौ माता को पूजते हैं। राइस कुक्ड इन मिल्क एंड जैगरी। और जो राइस होते हैं उन्हें मिल्क और जैगरी के साथ, गुड़ के साथ बनाया जाता है। उसे हम उस डिश को हम पोंगल बोलते हैं। और वो डिश गाय को खिलाई जाती है। पीपल ड्रॉ कॉलम टू डेकोरेट देयर हाउस। और वो अपने घरों में रंगोली भी बनाते हैं। आगे आएगा ओनम। ओनम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ किंग महाबली। कलरफुल बोट रेसेस, ब्यूटीफुल डेकोरेटेड एलिफेंट आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल। ओनम भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है। जिस सेलिब्रेटेड होता है महाबली के ऑनर के लिए। कलरफुल बोट, इस दिन कलरफुल कश्तियों की रेसेस होती हैं और हाथियों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और लोग इनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। आगे आएगा 25। सम डेज आर सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ ग्रेट पीपल, जैसे कि टीचर डेज, चिल्ड्रन डेज। पहले हम पढ़ेंगे टीचर डे। टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September। इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्ण, द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जे 5 September को मनाया जाता है, जो राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण के बर्थडे के लिए मनाया जाता है, जो सेकेंड, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे इंडिया के। चिल्ड्रन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 November। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन फोंडली कॉल्ड हिम चाचा नेहरू। चिल्ड्रन डे 14 November को मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे। आगे हम असेसमेंट टाइम करेंगे। डैश इज ए नेशनल फेस्टिवल, तो क्या आएगा इसका? रिपब्लिक डे। द डैश होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर जो तिरंगा फहराते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर। इसका आएगा प्राइम मिनिस्टर। गांधी जयंती इज सेलिब्रिटी ऑफ किनका बर्थडे होता है? महात्मा गांधी का। डैश इज़ नोन एज द
फेस्टिवल ऑफ कलर, यहाँ पे होली आएगा। डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद उल फितर, यहाँ पे सवैया आएगा। आगे हम मैच करेंगे बुद्ध पूर्णिमा कब मनाए, कौन से इनके बर्थडे पे मनाई जाती है, गौतम बुद्ध, गुरुपुरब, सिख गुरु, होली, कलर्स, दिवाली, गॉडेस लक्ष्मी, दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल। आगे हम शॉर्ट आंसर करेंगे, हूज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, गांधी जयंती किसके बर्थडे पे मनाई जाती है, इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी। हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली कैसे मनाते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइट्स द दियाज कैंडल्स एंड क्रस्ट क्रैकर, हम दिए और मोमबत्तियाँ जलाकर और पटाखे फोड़कर दिवाली मनाते हैं। हाउ डू पीपल सेलिब्रेट ईद उल फितर, लोग ईद कैसे मनाते हैं, पीपल सेलिब्रेट ईद उल फितर बाय एम्बेरस ऑन अनदर एंड विश देम ईद मुबारक। हाउ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, पीपल प्रेयर इन द चर्च एंड डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड बाय एक्सचेंजिंग द गिफ्ट्स। डी पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।